राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सोमवार को 12वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम जारी कर दिया है। इस बार विज्ञान, वाणिज्य और कला का परीक्षा परिणाम एक साथ जारी किया गया है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से मिली जानकारी के अनुसार वाणिज्य संकाय में परीक्षा परिणाम 98.95% व कला संकाय में 96.18% व विज्ञान संकाय में 97.73% रहा है। पूनिया के बास के रहने वाले अंकित पूनिया ने 12वीं साइंस में 98.60% अंक प्राप्त किए हैं। अंकित देवगांव के पूनिया का बास का रहने वाला है। अंकित के पिता महेश कुमार खेती का काम करते हैं। माता मनेश देवी गृहिणी है। अंकित इंजीनियर बनना चाहता है। कमजोर आर्थिक स्थिति होने के बावजूद अंकित सरस्वती स्कूल बलवंतपुरा नवलगढ़ स्कूल के हॉस्टल में रहकर पढ़ाई की। अंकित ने अपनी सफलता का श्रेय स्कूल संचालक बीरबल सिंह गोदारा, माता पिता व भाई को दिया है। मेरा नाम है अंकित और मैंने सरस्वती स्कूल से 12th साइंस से इस साल 12th पास आउट किया है। आज मेरा रिजल्ट आया और मैंने 98.60% प्राप्त किए हैं और इसका श्रेय मैं अपने स्कूल, अपने पेरेंट्स और हम मेरे सभी अध्यापकों को देना चाहूँगा जिन्होंने इतनी मेहनत की और मुझे इस सफलता के लिए, सफलता लाने के लिए प्रेरित करते रहे। और मैं सभी मेरे जूनियर भाइयों से यही कहना चाहूँगा कि अगर आप चाहते हो कि अपने जीवन में आगे बढ़ें और आप सफलता प्राप्त करें तो निरंतर अध्ययन करते रहिए और थोड़ी मोबाइल से दूरी बना के रखिए। मैं बीटेक करना चाहता हूँ कंप्यूटर साइंस से। मैंने हॉस्टल में रह के अध्ययन किया था और मैंने अपने गुरुजनों का सारे, मतलब जिस हिसाब से उन्होंने बताया उस हिसाब से अध्ययन किया तो आज मैं इस मुकाम पे पहुंच पाया। पारिवारिक बैकग्राउंड क्या है आपका? मम्मी पापा क्या करते हैं? मेरी मम्मी तो हाउसवाइफ है और पापा किसान है। मैं सबसे पहले तो 2024 का जो कक्षा 12 का परीक्षा परिणाम जारी हुआ है उसके लिए विद्यालय के समस्त छात्र छात्राओं को, समस्त अभिभावकों को, विद्यालय परिवार को, विद्यालय के स्टाफ को, सबको मैं ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ कि उनके अथक मेहनत और परिश्रम के कारण आज जो परीक्षा परिणाम जारी हुआ है वो देखने के लिए मिला है। आपने कहा इसके 98.60 की बात नहीं है, हमारी उम्मीद तो 100-100 थी परंतु कहीं न कहीं कुछ त्रुटियां रही होंगी। निश्चित रूप से उनके ऊपर हम उनका अवलोकन करेंगे, उनके ऊपर निश्चित रूप से हम देखेंगे इसकी किस प्रकार की कमी कहाँ रही है। इसकी जो बच्चे 100-100 होना चाहिए तो वो 98.60 पे रुके हैं। और बेसिकली कहना चाहूँगा इसकी जो 98.60% नंबर जो बच्चे लेके हैं वो किसी से कम नहीं है। हो सकता है किसी कारण से उनके 2-4-5 नंबर कम आ गए हों परंतु उनके जो परिश्रम और मेहनत थी उनकी उसको मैं सलाम करता हूँ, उनको बधाई देता हूँ उनको। और अन्य छात्र छात्राओं को भी कहना चाहूँगा कि जो 98.60% लेके बच्चे हैं, 97 लेके हैं, 97.20 लेके हैं, 95 से अबव हैं, सभी बच्चे हैं, उनको सब बच्चों को उनका अनुसरण करके, जो भी बच्चे 90 से बिलो रहे हैं उनको उनका अनुसरण करके, उनको देख करके, उनको समझ करके, अपने आप पर उस बात को लागू करके आगे आने वाले समय में वो लोग भी अपनी मेहनत करके इस मुकाम को हासिल कर सकते हैं। परीक्षा परिणाम विद्यालय का लगातार कई सालों से बहुत ही उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम रहा है। झुंझुनू जिले में नहीं, मैं ये कहना चाहूँगा कि राजस्थान के अंदर आपके सरस्वती स्कूल ने एक अलग पहचान बनाई है, एक अलग मुकाम हासिल किया इसने और इसके पीछे सबकी मेहनत है। किसी एक व्यक्ति विशेष की मेहनत में होकर के सबकी मेहनत होती है। इसमें अभिभावक भी शामिल होते हैं, टीचर्स भी होते हैं, स्टूडेंट्स भी होते हैं, सबकी मिलकर के जब मेहनत करते हैं, एक अथक प्रयास करते हैं तो निश्चित रूप से उसके परिणाम वो सकारात्मक आते हैं और वो परिणाम सकारात्मक लगातार 7-8 साल से ये विद्यालय प्राप्त करता रहा है। इसके लिए मैं एक बार पुनः उन सभी को बधाई देना चाहूँगा, शुभकामनाएं देना चाहूँगा और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ कि वो इसी प्रकार से आगे मेहनत करते रहेंगे और अपने जीवन को आगे निखार लाते रहेंगे जीवन में। दूसरी बात एक और बताना चाहूँगा, इस विद्यालय की जो सबसे बड़ी खासियत बात है, विद्यालय के अंदर बहुत से लोग पूछते हैं इसकी ऐसा क्या कारण है जिसके कारण से सभी ऐसे छात्र हैं वो उनका परीक्षा परिणाम बहुत शानदार रहता है। विद्यालय का अनुशासन है वो सर्वोपरि है। विद्यालय के अनुशासन के रूप में किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं करता और हमारे अभिभावक है
उनके भी मैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगा इसकी, वो विद्यालय के जो भी नियम होते हैं उनके पालना करते हुए अपने बच्चों को मोटिवेट करते रहते हैं, बच्चों को दिशा निर्देश करते रहते हैं और उसी का परिणाम है इसकी आज परीक्षा परिणाम जब आया तो बड़ी खुशी जाहिर की सभी ने, खुशी की लहर दौड़ गई। और सबसे बड़ी बात यह रही कि जो आज परीक्षा परिणाम कक्षा 12 का है उसमें लगभग लगभग 33% बच्चे हैं वो 90% से अबव नंबर प्राप्त करके उत्तीर्ण हुए हैं और 414 बच्चे थे, 414 बच्चों में से 138 बच्चों ने 90% अंक अधिक प्राप्त किए हैं और 36 बच्चों ने 95% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, ग्रामीण प्रवेश में बच्चों ने अथक मेहनत करके इस विद्यालय का नाम रोशन किया है, अपना खुद का नाम रोशन किया है, अपने माता पिता का नाम रोशन किया है और हमारे नौलगढ़ विधानसभा का नाम रोशन के लिए उसको उनको मैं पुनः बधाई देता हूँ और सभी से आशा करता हूँ कि आगे भी इसी प्रकार से सब लोग एक दूसरे का सहयोग करते रहेंगे और जो जब भी परीक्षा परिणाम आएगा निश्चित रूप से इस बार जो परीक्षा परिणाम है इससे कहीं अधिक अच्छा परीक्षा परिणाम आने की संभावना है।